1.3 में आज पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को, ध्यान समझिएगा। प्रश्नावली, एक पॉइंट तीन क्लास 10 के लिए, यानी कि मैं प्रत्येक दिन आपको एक नया वीडियो लेकर आ रहा हूँ जिसमें आपको अच्छा से 10वीं क्लास के सब्जेक्ट में पढ़ा रहा हूँ, ध्यान समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, सिद्ध कीजिए कि रूट 5(1) अपरिमेय संख्या है। तो अब इसको कैसे हल करेंगे, ध्यान से आप सुनते रहिए। मैं इसको बहुत अच्छा तरीका से, बहुत आसान तरीका से मैं आपको बताऊंगा। सर माना कि संभव है तो रूट 5(1) परिमेय संख्या है, उसमें के इसको मान लेंगे, यानी कि रूट 5 क्या है, परिमेय है, यानी रूट 5 बराबर पी बटा क्यू, तिरछा तिरछा गुणा करेंगे पी बराबर क्यू रूट 5। याद रखिएगा आपको मालूम है कि रूट को हटाने के लिए ओवर करते हैं तो क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग करने पर क्या होता है, पी का स्क्वायर बराबर क्यू रूट 5 का स्क्वायर, यानी कि पी स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर बचा 25, यानी पी स्क्वायर बराबर, ये गुणा में है तो कहां आ जाएगा, क्यू स्क्वायर बराबर 25 का वर्गमूल 5। ध्यान दीजिएगा यहां भी दोनों पर स्क्वायर है, इस स्क्वायर को हटाने के लिए मैंने एक स्क्वायर कर दिया, बराबर कितना हो गया आपका 5। जैसे ही यहां से स्क्वायर को हटाते हैं तो इस पर फिर क्या पुनः रूट आ जाता है। तो आप जानते हैं कि अगर पुनः रूट आ जाता है तो इसको हम क्या कर सकते हैं, क्या कह सकते हैं, यह अपरिमेय लिखेंगे, चूंकि पी बटा क्यू एक परिमेय संख्या है और रूट 5(1) अपरिमेय संख्या है, अतः हमारा मानना गलत है कि रूट 5(1) परिमेय संख्या है। मतलब ये आपको सिस्टम लिखना पड़ेगा लास्ट में, तब आपका सवाल सही होगा। इस तरीके से बनाने पर हमारे सवाल को सही माना जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर मैं दूसरा आपको बना रहा हूँ, इसे दिया है सिद्ध कीजिए कि 3+2√5 एक अपरिमेय संख्या। सब सवाल वैसे ही बनेगा जिसमें दिखाता है, फंडा वही है सब में, माना कि संभव है तो 3+2√5(1) परिमेय संख्या है। ये सवाल थोड़ा सा अलग हटकर बना रहा हूं, ध्यान समझिएगा, 3+2√5 ये क्या हमारा है, परिमेय संख्या है। एक नियम होता है, चूंकि दो परिमेय संख्याओं, ये लिखना पड़ेगा आपको, का अंतर भी एक परिमेय संख्या होता है, दो परिमेय संख्याओं का अंतर भी एक परिमेय संख्या होता है। ध्यान दीजिएगा 3+2√5 अंतर यानी घटाव, यहाँ 3 है तो हम यहाँ पर 3 ही घटाएंगे, 4 आता तो 4 घटाते, 3+2√5-3 3 कैंसिल हो जाएगा, 2√5 लिखेंगे, चूंकि 2√5(1) अपरिमेय संख्या है, अतः हमारा
मानना गलत है कि 3+2√5 1 परिमेय संख्या है। मतलब इस सवाल को इस नियम से बनाएंगे। अब चाहेंगे तो इसका बनाने का बहुत सारा तरीका है, लेकिन थोड़ा सा ये आसान तरीका है, इसलिए मैंने इस नियम को आपको बताया। अब मैं क्वेश्चन नंबर 3 बता रहा हूं, जिसे तीसरा नंबर का, तीन नंबर का इसमें भी कह रहा है सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्या अपरिमित है। तो तीसरा का पहला सिद्ध कीजिए कि 1/√2 एक अपरिमित संख्या है। इसमें भी यही कहेगा माना कि संभव है तो 1/√2 एक परिमित संख्या है, यानी कि 1/√2 क्या है आपका परिमेय संख्या है। तो ध्यान समझिएगा 1/√2 परिमेय संख्या यानी कि p/q ग्रुप में, और यहाँ पर तिरछा से गुना करेंगे q एकम q, अब p से p√2 ये गुना में है तो कहाँ आ जाएगा भागा में √2। इतना पर भी हो गया आपका, लिखेंगे चूंकि q/p1 परिमेय संख्या है और √2 1 अपरिमेय संख्या है, अतः हमारा मानना गलत है कि 1/√2 1 परिमेय संख्या है। मतलब ऐसे सवालों को इस तरीके से भी हम बनाएंगे, ये कोई विशेष भारी सवाल नहीं है, ये बहुत आसान सवाल है। इस तरीके से आप सवालों को बनाइए, अगर जहां भी कहीं प्रॉब्लम होता है आप हमसे पूछिए कि सर ये कैसे हो रहा है, मैं आपको बताऊंगा दोबारा। फिर अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन सेम ऐसा ही है, तीसरा का दूसरा नंबर सवाल, इसमें दिया है 7√, यहाँ पर कोई चीज नहीं, 7√5 यहाँ हट जाएगा, 7√5 ये भी क्या है परिमेय संख्या, 7√5 कुछ दिक्कत नहीं, यहाँ भी क्या हो गया 7√5। ये थोड़ा सा कुछ सवाल को मैं यहाँ से हटा देता हूँ, बाकी देखिए आपको थोड़ा सा चेंजिंग करना है इसमें, ये 7 गुना में है तो कहाँ आ जाएगा भागा में आ जाएगा। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, चूंकि p/7 की भी परिमेय संख्या है और 5 1 अपरिमेय संख्या है, अतः हमारा मानना गलती है कि 7√5 1 परिमेय संख्या है। मतलब इसी तरीका से इस सवाल को भी आप बना सकते हैं, ये सवाल भी आपके लिए कोई विशेष भारी नहीं है। तो ऐसे सवालों को आप बहुत आसान तरीका से बनाएंगे, सबसे आसान और इजी तरीका था। उसके बाद से क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 3 नंबर, तीसरा का तीसरा नंबर सवाल, सिद्ध कीजिए कि 6+√2 1 अपरिमेय संख्या है। सेम वही बात, यहाँ पर 6+√2 1 परिमेय संख्या है, यहाँ वही बात 6+√2 1 परिमेय संख्या है, यहाँ भी वही बात 6+√2 1 परिमेय संख्या है, कोई चेंज नहीं, यहाँ √2 है ही, ये प्लस में 6 है ना, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, और बटा में जोड़ बना लीजिए √2 p − 6 q 1 परिमेय संख्या है, √2 1 अपरिमेय संख्या है, अतः हमारा मानना गलती है, क्या गलती है 6+√2 1 परिमेय संख्या है। मतलब कि इस तरीका से भी आप सारे सवालों को बना सकते हैं, कोई सवाल आपके लिए भारी नहीं है। तो आपका इसी तरीके से 1.3 आज मैं समाप्त किया। अगर आपको कहीं भी किसी प्रकार का प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपको फिर पुनः अगले वीडियो में मिलूँगा।